લોકડાઉન માં કાળા બજાર કરી શ્રમિકો પર ત્રાસ ગુજારવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે અડધી રાતે રસ્તા ઉપર રજળતા શ્રમિકો હજુ પણ એવી આશા લઈને બેઠા છે કે ટિકિટ મળશે કે નહીં। સમગ્ર ભારતમાં શ્રમિકો દ્વારા પોતાના વતન જવાની માંગ ઉઠી રહી છે। દેશ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્રમિકો પોતાના ઘર વાપસી કરવા માટે અનેક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે સુરતના પાંડેસરા બમરોલી વિસ્તારમાં આવેલ વોર્ડ નંબર 27ના કોર્પોરેટર, સુરત શહેર શાસક પક્ષના નેતા ગિરિજાશંકર મિશ્રા અને સુરત શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ મહિલા પ્રમુખ રહી ચૂકેલા સુધાબેન પાંડે પર લોકોનો આક્ષેપ છે કે ટ્રેનની ટિકિટ બ્લેકમાં વેચી રહી છે અને જે વ્યક્તિઓ વધારે પૈસા આપે છે તેની ટિકિટ કન્ફર્મ મળી જાય છે અને જે ઓછા પૈસા આપે છે તેને 15 દિવસ બાદ પણ ટિકિટ મળતી નથી। સુરતના પાંડેસરા બમરોલી વિસ્તારમાં રહેતી એક મહિલાએ પોતાના વતન જવા માટે 15 દિવસ પહેલા શાસક પક્ષના નેતા ગિરિજાશંકર મિશ્રાની ઓફિસે ટિકિટ લેવા માટે ગયા હતા, ત્યારે ટિકિટની ના પાડી દેવામાં આવી હતી અને તેમણે સુધાબેન પાંડેને છેલ્લા 15 દિવસ પહેલા 6 ટિકિટના પૈસા 800 રૂપિયા લેખે આપ્યા હતા। ગઈકાલે સુધા પાંડેને પોતાની ઓફિસ પર સવારે 7 વાગે બોલાવ્યા હતા। ટિકિટ લેવા માટે આ મહિલા પોતાનું ઘર ભાડે રાખેલ હતું, તે ઘર ખાલી કરી ઘરનો સામાન પોતાના સગાવાળાને ત્યાં મૂકી ભાડાનું ઘર ખાલી કરી ટિકિટ લેવા માટે ગયા હતા। ત્યારબાદ પણ ટિકિટ નહીં મળતી હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેથી રોષે ભરાયેલી આ મહિલા પોતાના 2 બાળકોને લઈ રસ્તા ઉપર ફરી રહી હતી। ટિકિટ માટે વલખા મારતી આ મહિલા પોતાના વતને જોવા માટે તેમને ટિકિટ મળશે કે નહીં તે માટે એક આશાનું કિરણ લઈને બેઠી છે। જી, આપકા નામ? પૂનમ રામુ તિવારી, કર્મયોગી 2 મે રહેતે હૈ। ક્યા દિક્કત હુઈ, કિસ તરહ કી સમસ્યા હુઈ આપ? हमें दिक्कत ये हुई कि 15 दिन पहले से हमने फॉर्म भरा था टिकट के लिए, तो टिकट के लिए हमें बोला कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे कर करके 15 दिन टाल दिया। तो 15 दिन बाद हमको बुला के पैसे रिटर्न कर दिए, बोले कि सुधा टीचर के पास, यहाँ के अध्यायक हैं, ऑपरेटर हैं, सीताराम स्कूल के अध्यायक हैं। फर्स्ट टाइम तो हमने गिरिजाशंकर के पास ही कॉल किया, तो उन्होंने दूसरों का नंबर दिया, इनसे बात करिए, उनसे बात करिए, इनसे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा, कर करके 3-4 बार हमें धक्का खिलाया। फिर उसके बाद हम सीताराम स्कूल में गए, वहाँ पे जाने के बाद हमने कॉल किया कि टीचर हमें मतलब टिकट चाहिए, तो उन्होंने टिकट का पैसा हमसे पहले लिया और फॉर्म लिया। 15 दिन के बाद हमें बुला के बोल रही नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद हमारे ही जो लोग थे उनको टिकट 1500 में बेच दिया और हम ऐसे मतलब हमें बोला कि सुबह 7 बजे मतलब आके ले लेना टिकट। उनके कहने पे हमने रूम भी खाली कर दिया और उसके बाद क्या कहते हैं, रूम खाली करने के बाद हमको बोला सुबह 7 बजे आ जाना, हम 7 बजे गए हैं तो क्या कहते हैं कि बोल रहे हैं कि जब फॉर्म वालों को हो जाएगा तब देंगे, अभी टिकट नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम बच्चे लेके रोड पर तो रहेंगे नहीं। तो अभी क्या कहा, पैसे कितने दिए थे अपने टिकट का? मैंने पैसे 800 रुपये के हिसाब से दिए थे। और आपको कितने कहा कि 1500 रुपये में बेच? जो हमारे मतलब रिलेशन वाले थे उनको, उन लोगों को दिया उन्होंने। आपको कैसे पता चला? हमने बात किया, उनका रिकॉर्डिंग हमारे पास। अब आप कहाँ रहोगे? हम अभी रोड पे ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे, क्योंकि हमने अपने रिलेशन वाले के घर में, वहाँ पे छेड़ा भाई रहते हैं हमारी जवान लड़की, उनको लेके तो रहेंगे नहीं उनके घर में, वहाँ पे सब जेंट्स रहते हैं, तो उनके घर में हमने अपना सामान एडजस्ट कर दिया। आपकी क्या मांगे सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग जहाँ के लोग हैं वहाँ पहुँचा दिया जाए हमें। और सुधा मैडम, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने तुमको पैसा रिटर्न कर दिया? उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा है तो अध्यायक बनती है कि हम बहुत बड़े अध्यायक हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। किसी भी गरीब इंसान का फायदा नहीं उठाना चाहिए कभी भी। गिरिजाशंकर मिश्रा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने तो बोला इनसे बात करिए, उनसे बात करिए, यही करके टाल दिए। जिससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको पहले कर रहे हैं और जिससे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं उनको हटा दे रहे हैं, और पर्सनली ऑफिस में जिससे पैसे मिल रहे हैं उसे पर्सनली ऑफिस में बुला के मिल लेते हैं, और उसके जिससे नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें बाहर रखिए, बाहर रुकिए, बाहर निकल के आएंगे तो बोलेंगे हम तुम्हारा ठेका लिए हैं। ऐसा नहीं होता, जो काम सरकार ने जिसको दिया है उसे करना ही चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है उन्होंने ज़्यादा पैसा लेके? हमें लगता नहीं है, लोग बोल रहे हैं और कितने लोग चले गए हमें लग नहीं रहा है, हम पक्का प्रूफ दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उन्होंने जिसको टिकट बेचा वो बोल रहे हैं खुद।